सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज एक मैं न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है चटपटा भुना चना। ये रेसिपी बनाने के खास कुछ तैयारी नहीं करनी है। देखिए, ये चना मैंने 8 से 10 घंटे तक पहले भिगो के रखा था। अब इसको अच्छे से धो के हमने यहाँ पर रख दिया है। अब हम इसको कुकर में देंगे। और थोड़ी सी पानी देंगे और हम इसमें थोड़ी सी नमक ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, क्योंकि इसको काला काला रंग ना पड़े। इसको हम इसे मिला देंगे। मिला देने के बाद हम 4 से 5 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। कुकर की ढक्कन हमने ढक दिया है। इसके 4 से 5 सीटी आने तक हम इसको बॉईल करते जाएंगे। हमारा चना अच्छे से उबल गया है। अब हम इसको निकालेंगे। हमने यहाँ पे कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम चलिए अब हम चलते हैं चना बनाने की प्रोसेस में। पहले हम इसमें डाल देंगे तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे जीरा और हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट करके रखा था वो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। और ये एक प्याज है, हमने इसमें बारीक कट के रखा था, अब ये भी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। इसको ब्राउन कलर होने तक इसको ऐसे ही फ्राई करते जाएंगे। देखिए, ये प्याज हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे और गैस को लो पे रखना है। देखिए, यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हरी मिर्च पाउडर और थोड़ी सी नमक। हमने पहले भी बॉईल करते समय नमक डाला है, तो स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। और हम यहाँ पे एक मेन चीज डालेंगे, वो है 1 चम्मच बेसन। बेसन देने से चने का चौर बहुत ही टेस्टी होता है। और इसको अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, यहाँ पे बेसन का कच्चापन चला गया है। अब हम इसमें चना डाल देंगे। जो पानी थे वो पानी नहीं देंगे। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, अच्छे से हो गया है। ये हमारा चना बनके तैयार है। चना भुना मसाला बनके तैयार है। इसका खुशबू तो बहुत ही अच्छा आ रहा है और इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चलिए आपके लिए हम सर्व करते हैं। देखिए, ये हमारा चना भुना मसाला बनके तैयार है। ये देखिए और ये देखिए, ये कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए, इसको बेसन डालने से इसका स्वाद और ही ज़्यादा आती है। ये आप कहीं भी ले सकती है, सफ़र में, टिफिन में, कहीं भी आप ले सकती है। और ये रेसिपी अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।